तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां हैं और 2 लाख दिए जलाने की तैयारी की गई है। सैकड़ों कुम्हारों ने यहां पर दिए बनाए हैं। इन्हीं में से एक गुड्डू प्रजापति हैं जिन्होंने 2 लाख दिए सप्लाई किए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। क्या नाम हुआ आपका सर? जी गुड्डू प्रजापति। अच्छा तो आप कितने टाइम से ये पॉटरी कर रहे हैं? लगभग 1 महीने से इसका हम लोग बना रहे हैं दीप उत्सव के लिए दिया। हाँ जी। नहीं नहीं आप कितने सालों से इसके अंदर हैं? हम लोग जन्म से ही कर रहे हैं ये सारा काम। अच्छा जी। तो कितने दिए आप लोगों ने लगभग दिए हैं इसके दीपोत्सव के लिए? दीपोत्सव के लिए हमने 2 लाख दिया लगभग दिया है। अच्छा। हम 2-3 लोग मिलकर। हाँ। 2 लाख दिया लगभग दिए हैं। अच्छा 2 लाख दिए आप लोगों ने, 2-3 लोगों ने मिलकर दिए। तो पूरे साल की आमदनी और दीपोत्सव की आमदनी में कितना फर्क होता है आपके लिए? दीपोत्सव आने से ये जब से लाखों दिए लगाने का वो शुरू हुआ है चलन, तब से कितना आप लोग की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है कुछ? जी जी बढ़ोतरी क्यों नहीं, दीपोत्सव में हम लोग जैसे जो 4 महीने में कमा लेते हैं। हाँ। तो इतनी इनकम जो है 1 महीने में कर लेते हैं दीपोत्सव से, लेकिन 2-3 साल की अपेक्षा जो है इस साल रेट में जो है घटोतरी होने के कारण ठीक से इनकम नहीं हो पाया। हम लोग जो है जैसे जब ठेकेदार से बात हुआ, ठेकेदार बोले कि 66 पैसे पर दिए के रेट से आप लोग को मिलेगा, और जबकि अगले साल हम लोगों को 1 रुपये 20 पैसे पर दिए के रेट से मिला हुआ था। तो हम लोगों ने बंद कर दिया बनाना, हम लोगों ने कहा नहीं बनाएंगे हम लोग। अच्छा। उसके बाद मीडिया वालों से हम लोगों ने बातचीत किया, मीडिया वालों ने जब पेपर में निकाला तो लोग डर बस या किसी कारण बस 1 रुपये पर दिए के रेट से देने को तैयार हुए। अच्छा। लेकिन अब हम लोग जो है क्योंकि कच्चा सौदा मिट्टी का सौदा है, बना के रखे हुए थे। हाँ। एक आशे से कि पैसा मिलेगा हम लोग को। हाँ। और हम लोगों ने उसको उसी रेट से 1 रुपये के रेट पे उनको दे दिया, लेकिन उस पैसे से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। इसलिए नहीं संतुष्ट हैं क्योंकि महंगाई हर चीज की बढ़ रही है, तो महंगाई अनुसार ये भी बढ़ना चाहिए, घटना थोड़ी चाहिए। हाँ। इसीलिए हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो अच्छा। जितना बनाए हुए थे उतना हमने उनको दे दिया, उसके बाद हमने मना कर दिया कि आपको अब नहीं दे पाएंगे हम। अच्छा। योगी जी से मोदी जी से हम लोग संतुष्ट हैं, उनके कार्यक्रम से संतुष्ट हैं। अयोध्या में उनका स्वागत है, आप पत्रकार लोगों का स्वागत है, लेकिन ये जो बीच के लोग हैं, बीच के खाने वाले लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, ये लोग जो है बीच में अपना जो है सिस्टम गड़बड़ करते हैं। अच्छा। जो हम लोग को मिलना चाहिए वो आजीब पैसा, वो पैसा हम लोग के मेहनत का नहीं मिल रहा।